सिस्पर से है। हाँ जी, हमारा सिस्पर का तो लगेगा एसटीएम से। सिस्पर नहीं लगेगा? क्यों नहीं? वो फिर सर किसी पुलिस के लगाने होंगे तो उन अच्छे से बोलना है। अच्छा अच्छा, तो मैंने ये बोला था कि मैं कुछ एक्सटीमेशन वगैरह चेक करने को बता देते हैं, तो फिर अब सिस फायर से। हाँ मैं सिस फायर से। एक चीज मुझे आपसे पूछना था, ऐसे ए बी सी फायर एक्सटिंग्विशर है, हाँ जी, इसका वारंटी कितने साल का होता है? सर हमारा तो 6 ईयर का होता है। क्यों सर? उसमें जो पाउडर होता है, हाँ हाँ, हमारा सर टेस्ट हो गया, वो हम इस तरीके से बनाते हैं, इसमें मतलब 6 ईयर के लिए चलता है सर। तो वो तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड में दिया नहीं है, उसी गाइडलाइन से बनाओगे ना आप? सर हमारा जैसे यूई पे सर्टिफाइड भी है, हमारे इंडिया में तो इंडियन सर्टिफाइड होना चाहिए ना। हाँ, यूएस से क्या लेना देना है? तो सर उनके जैसे जो आईएएस सर्टिफाइड है कि नहीं? सर वो तो है ही है। तो हमारे आईएएस के अकॉर्डिंग आपका एबीसी पाउडर वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर है, उसकी रिफिलिंग ड्यू डेट कितने दिन में होनी चाहिए? सर 6 साल के बाद ही होता है। क्यों होगा ऐसा? कहीं लिखा है कि 6 साल में? जो कानून कहता है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो तो 3 साल कहता है। सर 3 साल जो लोकल वाला हो तो वो तो लोकल वाला मीन्स लोकल वाला वो इसलिए होता है सर, जो थिकनेस बॉडी होती है वो कितनी होती है? उतनी ही होती है उसकी भी, उसके अकॉर्डिंग तो आपका भी उतनी ही होगी। आप ज़्यादा क्यों बनाओगे? जो इंडियन स्टैंडर्ड कहता है थिकनेस इतनी होनी चाहिए, प्रेशर इतने पर टेस्ट होता है, आपका भी उतने भी टेस्ट होता है। आप उससे हट के तो आपका पर्सनल कानून तो चलेगा नहीं। पर्सनल नहीं सर, कुछ हाँ। और पैरामीटर जो जिनके अकॉर्डिंग हमारा वो किया गया वो वही चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ, ऐसा क्यों? हम देखें बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर हाँ। जिसपे लिखा हुआ है कि ड्यू 5 साल, क्यों भाई? कानून हमारा 3 साल का था, 5 साल क्यों कर रहे हो? तो उसकी एसपीजी टेस्ट ही 3 साल की होती है। हाँ, आप हमें कुछ दे सकते हो? किसी चीज़ में है आपके लॉग बुक में लिखा हुआ है? सर उसके साथ वारंटी कार्ड में वो भी दे देंगे आपको। है ना हमारे पास? आप एक बार फायर एक्सपोर्ट से बात कीजिए। अभी आ रहे हैं सर, सर भी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ है तो आप बताइए, हम तो जानते हैं 3 ही साल। सर वो 3 साल के लिए होता है, बट और हमारे जो रिकॉर्डिंग कौन सा आईएएस नंबर में भूल रहा हूँ, तो फायर एक्सटिंग्विशर मेंटेनेंस का उसमें भी दिया है 3 साल। अभी कोई सर मतलब सारे यहाँ पे लोकल लगे हैं, सी फायर का नहीं कोई भी? देखिए लोकल आप मत बोलिए, लोकल का मतलब क्या होता है? लोकल कुछ नहीं होता है, जो है हमारे पास आईएएस जो इंडियन स्टैंडर्ड है उससे उसके हिसाब से बने हैं। कंपनी अलग है, आपका थोड़ा सा कंपनी अलग है, थोड़ा आपका ब्रांड अलग है, सीज फायर अच्छी ब्रांड है। आप ये नहीं कह सकते कि लोकल लगे, लोकल मीन्स जो बगैर किसी इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो किए, बगैर किसी गाइडलाइन का जो चीज़ बनता है उसको लोकल कह सकते हैं। वो सब वो भी तो आ रहे हैं ना कि जैसे उनका कोई बस वही है कि 800 रुपये का मिल जाता है, 1000 का मिल जाता है, उसमें कोई पैरामीटर? हमें सर 50 रुपये से बोले, हमें उस वो पैरामीटर पर खरा उतरा है, जो उनका स्टैंडर्ड है उसके ऊपर खरा उतरा है, तभी मार्केट में आया है। वो तो गवर्नमेंट उसको बैन कर देना चाहिए ना। है सर अभी कुछ उन लोगों की बात चल रही है। अब जैसे ये फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है, आप इसको लोकल कैसे कह सकते हैं? ऐसा इसमें लोकल क्या है सर? ना जो इसकी थिकनेस बोर्ड है इतना, थिकनेस वही है पैरामीटर जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया वही है, ये तो हम अपने हिसाब से चलाएंगे, खराब ख़त्म हो जाएगा हम वो करवा देंगे, रिप्लेस करवा देंगे। हाँ जो ये प्रेशर डाउन होगा वो होगा तो होगा तब ना, तब हम अपना पैसा देकर करवा लेंगे 1 साल बाद। ये आपने मेंटेन करता है? हम तो गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से चलते हैं, कोई पर्सनल किसी के गाइडलाइन से नहीं चलते हैं। आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। आप एक बात बताओ, जो चीज़ इंडियन स्टैंडर्ड में डिसाइड किया गया है ये चीज़ ऐसे होना चाहिए, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं? वो उसके अकॉर्डिंग है तो फिर तो कोई चैलेंज नहीं कर सकते। हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं ना। नहीं हम देखते हैं सीज फायर पर 5 साल लिखा होता है, और लोग आके बताते भी है 5 साल, तो मुझे सिर्फ उसका एक प्रूफ चाहिए कि कहाँ पैसा लिखा है कि 5 साल चलेगा, बस। हम आपका डॉक्यूमेंट को हम नहीं मानेंगे। वो सर जो नॉर्म से उसी के अकॉर्डिंग बना रखा है, उसी के अकॉर्डिंग वो। हाँ वही मतलब हो सकता है हमें नहीं मिला है, हमें तो ढूंढा, लोगों से पता भी किया, जो फायर एक्सपर्ट है उनसे भी बात किया,
चलो सर आपको आज आज दे देंगे सब। आप मेरा नंबर ले लीजिए, नंबर मैंने सर जब आएंगे तो एक बार आप मुझे कॉल करना, आप बैठिए। मैंने सर से नंबर ले लिया आपका, नंबर आपका। हाँ ठीक है, मैं कॉल करता हूँ फिर आपको। ठीक आइए। कैसा है सर? बस बढ़िया। अच्छा अच्छा अच्छा, लगे हैं तो इंडियन गाइडलाइन के हिसाब से। हाँ सर, फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं। सीज फायर जैसे आप एक बात समझ रहे कि आपके आरओ की एक आपको जनरल टर्म में सिखाता हूँ। एक मार्केट में जो आरओ मिल रहे हैं और एक केन के दूसरे जो आरओ मिल रहे हैं, डेढ़ डेढ़ लाख तक के आरओ मिलते हैं मार्केट में, तो उनका क्वालिटी अलग होता है, इनका क्वालिटी थोड़ा अलग है। देखो सर, हम तो ये जानते हैं, हम भी फायर एक्सपर्ट हैं। हाँ। जो इंडियन ने गाइडलाइन दिया है। बिल्कुल। अभी भाई साहब कह रहे थे कि लोकल एक्सटिंग्विशर है, अब ये लोकल आप कैसे कह रहे हो? इंडियन गाइडलाइन के हिसाब से बने, हम भी पढ़ते हैं थोड़ा आई एस ओजस का। लोकल क्यों कहा जाता है? लोकल क्यों, आप कैसे लोकल कह सकते हैं? लोकल क्यों कहा जाता है? और ये जैसे लोकल एक मिनिमैक्स को नहीं कहेगा, ये सेफेक्स को नहीं कहेगा, ये जो जो आईएस अप्रूव्ड है किसी को आप लोकल दे सकते हैं। आईएस अप्रूव्ड है जो भी है। इनका क्या बिजनेस है कि ये लोकली वाइज है, जैसे कि कोई भी एस्टिमेशन ले लो, जैसे कि आपका दूसरा कोई ले लो, जैसे यहाँ पे बहुत सारे फोनिक्स चलता है यहाँ पे गुड़गांव इंटरनेशनली है। नेशनल हम ये जानते हैं, जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता जो कंपनी वो लोकल है। अब मैं बताऊँ आपका, इनका जो आईएस अप्रूव होता है ना, वो आईएस अप्रूव होता है 1.2 बार उसके ऊपर जो थिकनेस है, और इनको 25 बार का प्रेशर टेस्ट करके देना होता है। नहीं नहीं, वो पुराना था, अब 2010 में नया चेंज हो गया था। क्या हुआ सर? अभी 35 के जी है। 35 है? हाँ नहीं सर, 25 है। 35 के जी सर, आईएस अकॉर्डिंग टू 35 सर, आपका CO2 पे है। नहीं CO2 पे है, CO2 कार्ट्रिज पे है। नहीं कार्ट्रिज पे है और CO2 पे है, बाकी 250 है साहब। CO2 कौन से दुनिया में सर? SPT टेस्ट की बात कर रहे हो ना? हमने अभी टेस्ट कराया 250 पे। 250 पे हमारे पास सर्टिफिकेट है, बाकी 35% में नहीं, 25 पे ही करते हैं। 35 पे साहब हमारे पास सर्टिफिकेट और इस पे 25 लिखा होगा, जो एस्टिमेशन पे लिखा होगा ना वो 25 ही होगा, 35 नहीं। देखिए सर, मैं तो ये जानता हूँ, सीज फायर एस्टिमेशन जो बेचती है वो कहती है 5 साल 6 साल रिफिलिंग रेट ड्यू डेट। हम हमारे कहने मतलब कौन सी कानून में लिखा है कि आप 5 साल 6 साल पर रिफिलिंग करोगे? ऐसा कहीं है? आप अपना डॉक्यूमेंट मत दिखाइए ना, हम इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से चलते हैं। अभी कोई ऑडिट होगा, हम लिख दें 5 साल, कोई ऑडिटर कहेगा भाई आप 5 साल क्यों लिखे हो, हम क्या जवाब देंगे उसको? इंडियन स्टैंडर्ड कहता है 3 साल। आप उसका जवाब ये दे रहे हैं, आप बताओ कौन से स्टैंडर्ड के हिसाब से 5 साल 6 साल? हम जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं, जहाँ जो हमारे स्टैंडर्ड्स आते हैं इंडियन इंडियन आईएसआई से, कहीं ज्यादा हम उसमें स्टैंडर्डाइज करते हैं, जैसे कि हम मैं समझ गया। लेकिन सर एक बात रही है, इंडियन स्टैंडर्ड बोलती है 3 साल के बाद रिफिलिंग होगा, एचपीटी टेस्ट होगा, रिफिलिंग का नहीं बोलती, हाइड्रो टेस्ट होगा उसका, हाइड्रो टेस्ट करना, सीधी सी बात है, हाइड्रो टेस्ट होगा, पूरा खुलेगा। अब वो कराना पड़ेगा, चाहे सीज़फायर का हो चाहे किसी भी कंपनी को, हमें 3 साल पे कराना होगा। अच्छा, क्योंकि ऑडिटर आएगा बोलेगा कि जी आपका हुआ नहीं है, वो पहले तो हमें ऑब्जर्वेशन देके चलो, वारंटी दे देते हैं। हाँ। उसके पहले 5 साल की होता है, 5 साल में आपको हाइड्रो टेस्ट करवाना होता था। आपके पास कोई प्रूफ है? मेरे पास है सर, उसको मैं बता दूंगा। कोई गवर्नमेंट का ऐसा कुछ है? पहले था, मैं बता रहा हूँ, पहले था वाला की बात नहीं है ना सर। देन फिर इसको 3 इयर्स पे किया गया, 6 इयर्स किया गया, ठीक है। हमने उसको 6 इयर्स पे लेके चले गए। क्यों चले गए? हम बताते हैं क्यों गए। हम क्या करते हैं, हर 3 साल के अंदर उसका हाइड्रो टेस्ट करके देते हैं। आप मतलब ये सिलेंडर को ले जाओगे? हाँ। उसका सर्टिफिकेट दोगे? सर्टिफिकेट देंगे, और न्यू इंस्टीट्यूशन आपको वापस से सर्टिफाइड के साथ ये कह रहा है ले जाएंगे, लेकिन ऐसा मैं देखा नहीं हूँ। कई लोग क्या एक बार लगा दिए, उस पर ड्यू डेट लिख दिया 6 साल, ठीक है सर, फिर 6 साल कुछ नहीं आए, देखे सही है 6 साल तक इसे चला, लेकिन होता ऐसा नहीं है। 3 साल के बाद टेस्ट होना कंपलसरी है, कानून कहता है सर, हाइड्रो टेस्ट होना हर चीज़। और जब टेस्ट करोगे आप तो पाउडर निकलेगा बाहर, मशीन पे जाएगा, लैब में टेस्ट होगा। हम क्या उसके चार्जेस देते हैं, जो बहुत मिनिमल से चार्जेस होते हैं हाइड्रो टेस्ट में, उसके अंदर क्या करते हैं हम, जैसे कि पुराना इंस्टीट्यूशन ये जो है 3 साल पुराना इंस्टीट्यूशन ले लिया, फिर एक नया इंस्टीट्यूशन, हम नया मतलब कि जो रिसाइकल होता है
वो इंस्टीट्यूशन हम प्रोवाइड कर, मतलब आप एक्सचेंज कर दिए, एक्सचेंज कर दिए दूसरे से, जो जिसका हाइड्रो टेस्ट हमने कर रखा है वो आपको प्रोवाइड करा दिया वापस से। तो उस तरह से हम 6 साल की वारंटी देते हैं। तो आप ऐसे कहो, आप पूरा बात बताओ कि हम 6 साल की वारंटी कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन के हिसाब से हम चलते हैं, उसमें 3 साल पे हम गवर्नमेंट के नियम को फॉलो करते हुए हम एक्सचेंज कर देते हैं। बट हर जगह ऐसा होता नहीं है। कई लोग इतने बात हमने आपसे पूछ लिया, आपने हमें बता दिया कि 3 साल में आप एक्सचेंज किए, लेकिन कई लोग तो बताते नहीं, कहते कि 6 साल वही चलेगा। यही तो फायदा है इसका। अब मैं बताता हूँ आपका कि ये भी क्यों है भाई, कि लोग क्यों नहीं करवाते हैं। जैसे कि हर कोई सोचता है यार मैं 2-2.5 हज़ार रुपए क्यों दूं एसटीपी टेस्ट का, देना पड़ेगा नहीं, मैं क्यों है ना। अब वो तो फिर आप ऐसा नहीं, सीज फायर 6 साल का वारंटी दे रहा है और 5वें साल में आपका डीजल डाउन हो गया और हम आपका उसका रिप्लेस नहीं करेंगे भाई, तुमने 3 साल में एसटीपी नहीं करवाया। हम तो 6 साल की वारंटी जो लिख करके दे रहे हैं ना, उसके अंदर भी अगर आपने नहीं भी करवाया है तब भी हम 5वें साल के अंदर 6 साल पूरे होने के 3रे महीने पहले भी आपका इंक्लूडिंग, जब हम आपसे सामान खरीद रहे हैं 6 साल की वारंटी है तो इंक्लूडिंग सब कुछ होना चाहिए ना आपका। तो सर आप ये कहिए ना, सर आप ये कहिए कि हमारा 3 साल की वारंटी है, 3 साल तक रिफिलिंग रहेगा और 3 साल के बाद वो खुलेगा फिर से हाइड्रो टेस्टिंग जो भी होगा वो करेगा। एचपीटी का पैसा देना पड़ेगा, बाकी प्रोडक्ट आपका रहेगा। देखो सर पुराना इश्यू, पूरा बात बताएंगे ना सर। सीज फायर बहुत अच्छी कंपनी है, हम जानते हैं, लेकिन बुरा ना लगे, सीज फायर के जो सेल्स वाले लोग होते हैं दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को लोकल बताते हैं। भाई आप कैसे लोकल कह सकते हो, सारे पैरामीटर पे खरा उतरा है, गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से बना है, आप लोकल कैसे कहती है। दूसरी चीज पूरी बात बताते नहीं, कहते हैं 5 से 6 साल रिफिलिंग ड्यू डेट होगा। हमारे ऊपर क्लाइंटों में लगे हैं, मैंने बोला तुम्हारा एक्सपायर हो गया, बोला सर उसने मुझे बताया नहीं, एक्सपायर नहीं लगा के गया है। अभी जो क्यों, मैंने उसको बोला कि भाई आप कराइए एसपीटी टेस्ट कराइए, उनको पता ही नहीं था कि हमने हमें तो खरीद लिया सामान, अब बार बार टर्म कंडीशन में अधूरी अधूरी जानकारी। अब एक बार आप अभी भी हमारे सर एक बाइक चलाते हैं लोग, 50% लोग इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, क्या मतलब हुआ अभी 3 साल के बाद 4थे साल में फट गया किसी की जान चली गई। अगर आप एसटीपी हमसे करवा रहे हैं तो हमें फायदा क्यों नहीं, हम क्यों नहीं जागरूक करेंगे। अभी बाप दे नहीं कराते क्या मतलब, कहीं ना कहीं रिस्क ले रहे हैं बाइक, हम हमारी बाइक का इंश्योरेंस नहीं, हम रिस्क ले रहे हैं, हमारी रिस्क है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं चलता है। लोगों को भरोसा है सीज फायर जो सिलेंडर है 6 साल बाद के 8 साल बाद भी चलेगा आपके यहीं के क्लाइंटों का। सर भरोसा इसलिए है, देखो सीधी सी बात है, हम एक एक्सटीब्यूशन लाए वो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से बना है, और आपका मैंने देखा बॉडी थिकनेस तो सेम है, 1.2 mm है, 1.2 है, आप 35 kg का हाइड्रो टेस्टिक वो पास कर लेगा ठीक है, पाउडर में ठीक है। उसके बाद सर लाइफ जो होती है 10 साल होती है, आपकी भी फायर एक्सटीब्यूशन की लाइफ 10 साल ही रहेगी, उसके बाद कबाड़ है वो हमारे लिए। आप बेशक कुछ और कहेंगे बदल देंगे वो कर लेंगे, अलग से सर्टिफिकेट देंगे। सिलेंडर की लाइफ सर 10 साल होती है, 6 साल की इनकी वारंटी है सर, जिसमें से अकॉर्डिंग तो वही है, कहने का मतलब उसमें टर्म कंडीशन है वारंटी में। तो सिलेंडर की जो कॉस्ट है ना हाँ, तो हम निकाल लेते हैं आपके, निकाल लेते जो आपका सिलेंडर है। लेकिन सर कॉस्ट भी तो देखिए, हम जो नॉर्मल एस्टिब्यूशन का उसका आपका डबल रेट होता है एस्टिब्यूशन का। आप जो एक सिलेंडर लेते हो कितने का लेते हो सर, मार्केट से ले रहे हो 2500-2600 रुपये? 2000-2500 रुपये में आ जाते हैं। 2200 मान लीजिए, मिनीमैक्स कर लो, थोड़ा अच्छी कंपनी के लो, कितना 4000 का आता होगा, मिनीमैक्स 3500 का, 3500 का होता है ठीक है। आप हर साल रिफिल होती होगी इसकी, क्यों हर साल 3 साल पर कराएंगे हम उसको, 3 साल में करवाओगे, हर साल क्यों कराएंगे, कितने में की पड़ेगी आपको एसटीपी टेस्ट के साथ, और रिफिलिंग कितने की पड़ेगी एक सिलेंडर की, रिफिलिंग 350-350 और एसटीपी टेस्ट, एसटीपी टेस्ट तो वही 200 रुपया।
नहीं, वो अगर CO2 का है तो जो दिल्ली में वो जो अथोराइज जो टेस्ट करता है उसका सर्टिफिकेट है, प्रॉपर हमें मार कर 200 रुपए में करता है। CO2 वाला 350 में है, 300 रुपए में। नहीं नहीं सर, 350 रुपए तो वो 650 रुपए की तो उसकी रेट ही हम करा देंगे साहब, और बताइए पेसो सर्टिफाइड की रेट। वो थोड़ी जगह से देगा सर्टिफिकेट, आपके टोटल जो खर्चा 600 रुपए मान लो आपका, कि इसका ये होता होगा 3500 प्लस 600 रुपया 600 रुपए 3 साल के 3 साल रुपए है ना, 4500 रुपए ये हो गया 3 साल की कॉस्ट है। ठीक है, अब प्लस वापस से 600 रुपए, ठीक है 4700 रुपए। अब सी 6 साल के, 6 साल की कॉस्टिंग हो गई आपके 4700 रुपए मिनिमम। ठीक है, इसका थिकनेस होगा 1.4 mm। ठीक है, ये 4700 रुपए है। अब सी स्क्वायर की पकड़ लेते हैं, मेरा जो सिलेंडर है 4 kg का 7500 रुपए का है, हम डिस्काउंट करके 0.5 हम देते हैं 5625 रुपए का, 1000 रुपए महंगा। ठीक है, 6 साल की कॉस्टिंग है, 1000 रुपए महंगा। सी स्क्वायर का 4 kg का क्या है? आप ये दे रहे हैं, आपने ये तो 25% डिस्काउंट है इसके। अच्छा, आप एक्स्ट्रा चार्ज क्या लेंगे 3 महीने पे? 3 महीने पे 3 साल वाला, हाँ। 3 साल वाला अगर मान लो हम 2200 रुपए लेते हैं उससे, 2200 रुपए ये भी जोड़ो ना, ये भी जोड़ो, 6 साल में 2200 रुपए जैसे उसमें जोड़े थे आप, हाँ। अपने सिलेंडर हिसाब से जोड़िए, ये है जो नॉर्मली अभी 90% जनता हमसे यही वाला परचेज करती है, 2200 रुपए बहुत कम लोग देते हैं। अरे जनता क्या करती है, अब देखो जनता तो कुछ भी नहीं कर रहा है, हमें क्या 3 साल पे आप चार्ज करोगे कि नहीं करोगे? ऐसा नहीं है सर कि जनता, जैसे कि DLF हो गया, DLF सी स्क्वायर लेती है 70% उसके पास सी स्क्वायर। मैं DLF से हूँ, और DLF में अभी मैं फॉर्म मिलाता हूँ, और कोई कह रहा है कि 6 साल चलेगा आपका एस्टिक्यूशन, बीच में SPT टेस्ट होता है कि नहीं, आप उसके चार्ज ले रहे हो कि नहीं? DLF नहीं कर रहा, करवाते ही SPT टेस्ट क्यों नहीं करेगा? 2019 में हमने ये स्टार्ट किया है 6 साल की वारंटी सितंबर में, अभी शायद वो आएंगे 2022 सब। देख लो आप बहुत गलत बोल रहे हो, DLF नहीं कराता। अभी मैं अभी डिप्टी मैनेजर को फोन मिला हूँ DLF के, फायर के दूसरे ब्रांड के सिलेंडर कौन से साइड पे आपके DLF में बताओ नहीं कराते हैं? आप बताओ, आपके ये साइबर हब के अंदर है सारा चीज पर लेके, मैं साइबर हब मैं अभी बात करा रहा हूँ। सीज फायर से अगर वो करवा रहे हो हाइड्रो टेस्ट का अलग से पूछ लेना उनके, जब एक्सपायर होता है तभी वो करवाते हैं। बिल्डिंग नंबर 10 में लगे हुए हैं, बिल्डिंग नंबर 5 में लगे हुए हैं। सर हेलो, सचिन हाँ सचिन सर, ये सीज फायर से सेल्स मैनेजर आए हुए हैं, ये बोल रहे हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर हमारे DLF में लगे हैं ABC पाउडर वाला, और 6 साल की हम उसकी वारंटी देते हैं, और बीच में हम SPT टेस्ट कुछ नहीं होता, वो 6 साल तक ऐसे ही रहता है। गलत बोल रहे हैं ना सर? आप SPT टेस्ट करवाते हैं सीज फायर एक्सटिंग्विशर का? बिल्कुल कराते हैं सर, बिल्कुल कराते हैं। ठीक है सर, ठीक है। और हम पहली बात तो सीज फायर को प्रेफर ही नहीं करते इसी वजह से, क्योंकि इनकी मोनोपोली है, दे डू मोनोपोली। हाँ, बिना हम 6 साल में जो है रिफिल कराएंगे, 6 साल में हमारी इंटरनल वारंटी कुछ नहीं होती। जब गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको हर 3 साल में उसका SPT कराना है तो कराना है, अब उसमें सीज फायर को कौन से कोड से फॉलो करते हैं आप? जी बिल्कुल नहीं सर, देखो हम क्या अपनी वारंटी देते हैं भाई, हम अपनी 6 साल की। सर आप किस बेस पे, देखो आप जो है आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ठीक है, आप कोई कोर्ट में केस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप कोई धारा तो लगाओगे ना कि इस धारा के तहत हम जो है ये एक्शन ले रहे हैं। आप हमें बता दो कि आप जो फायर एक्सटिंग्विशर 6 साल की वारंटी दे रहे हो किस धारा के तहत है ये? सर 6 साल की वारंटी हम इस तरह से देते हैं कि हम 3+3 करते हैं, 3 साल के बाद हम आपको हाइड्रो टेस्ट करवा के वापस से दूसरा एक्सटिंग्विशर प्रोवाइड कराते हैं। यार फिर वही बात, फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हो क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता सर, चार्जेबल होता है वो पे। तो फिर और फ्री ऑफ कॉस्ट भी करा रहे हो, जब एक बात बताओ, गवर्नमेंट तो बोल रही है कि भाई इस सिलेंडर को जो है आपको 3 साल में जो है HPT कराना, हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्टिंग, जो कि हमारे जो हमारा पैसो रूल है, प्रेशर वाला, ठीक है ना, प्रेशर सिस्टम वाला, वो वाला रूल कह रहा है, वही रूल रेफर करके फिर IS 2190 कह रहा है कि भाई इनको जो है हर 3 साल में आप जो है SPT कराइए और इनकी रिफिलिंग कराइए।
बिकॉज सिलेंडर हो सकता है अंदर से कमजोर हो गया हो सकता है कि ब्लास्ट हो जाए। तो अभी आपके साथ कोई हादसा नहीं हुआ है ना, अभी कोई हादसा होगा तो सीज फायर को पूरा पता चल जाएगा इसके बारे में ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या क्या आईएस कोड होता है। बट ये सही नहीं है यार, आप लोग अपनी मर्जी से ऐसा मत करो, ठीक है ना। नहीं सर, पहले भी हम देखो 5 साल की वारंटी प्रोवाइड कराते थे, अब 6 साल की इसलिए कर दी, हम 3+3 कर रहे हैं उसके अंदर, 3 साल की 3 ईयर्स की वारंटी के साथ। मतलब अरे वो सब भाई, वो सब वो कानून के ऊपर नहीं हो आप यार, कानून के ऊपर नहीं हो आप। नहीं वो बात तो है सर, कानून तो कानून के साथ ही है हम सर, कानून। हाँ कानून के साथ नहीं है आप मेरे को ये बताओ कि हम जो इस अभी आप अगर 6 साल तक एडिटिज रहता है, बीच में कुछ नहीं होता। जी सर, कुछ अब कुछ एक बात बताइए, 6 साल बाद उसके पाउडर का क्या, वो तो गोबर बन गया होगा अंदर 6 साल में। तो नहीं सर, ऐसा नहीं होता सर, आपको ऐसा क्यों नहीं होता यार, क्या बात कर रहे हो आप। आप 3 साल में कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर चला के आप पता चल जाएगा उसके साथ है ना, गवर्नमेंट ने बोला आपके पास 3 साल की वारंटी। आप कह रहे हैं अभी, कह रहे थे कि अभी 3 साल में हाइड्रो टेस्ट करके देना है, डीएलएफ में 6 साल तक हमारा सिलेंडर रहता है। बिल्कुल आपने कहा था ना सर, वो मेरे को नहीं पता कि वो अब हाइड्रो टेस्ट करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। क्यों नहीं करवाएंगे साहब, क्यों आपने डीएलएफ लेता तो है, ये तो है डीएलएफ आप नहीं लेता साहब, ये सीज फायर जो है ना आप नहीं लेता। ऑर्डर नहीं आ रहे डीएलएफ के, आ रहे हैं सर, आ रहे होंगे, लेकिन जो देखो सर आपको मार्केट मारुति ले रही, जिसको जानकारी नहीं वो लेगा। अभी कहो मारुति कोई फायर एक्सपर्ट से हमारी बात कराओ, आपका जानने वाले होंगे ना, आप फोन मिलाओ, मैं पूछता हूँ कैसे कौन से कानून के तहत आप ले रहे हो। लो आपने अभी बोला था ना 6 साल तक हमारा एस्टिमेशन डीएलएफ में एज इट इज लगा रहता है 6 साल। आप उस बात को पकड़ रहे हो, मैं बात जो पकड़ रहा हूँ वो बता रहा हूँ, 6 साल की वारंटी हम दे रहे हैं जिसको आपको यूज करना है, जिसको पड़ी है मेरे को पॉलिसी कंप्लीट करनी है, वो अपना हर 3 साल के अंदर हमसे सर पॉलिसी, जिसको देखो क्वालिटी लेना है, अभी सामने वैकेंसी है, क्वालिटी की कोई बात ही नहीं है, पॉलिसी ही चलता है, पॉलिसी कहती है कि 3 साल में होगा, चाहे मारुति हो चाहे डीएलएफ, 3 साल में कराना कंपलसरी। जो सामने आपको वैकेंसी दी है कंपनी, ठीक है, उनके पूरा वाटिका का पूरा वो फ्लोर है उसका पूरा पूरा, तो 3 साल में नहीं कराएगी वो, 3 साल में वो करवाती है, फिर भी सीज फायर लेती है, सबसे महंगा सिलेंडर लेती है वो 2 केजी वाला। सर मैं नहीं कह रहा हूँ, उसको क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, ठीक है अब एक बात रही, बिल्कुल सर आप कह रहे हैं क्वालिटी चाहिए, जो उसमें भी मान लिया आपका नहीं है उसमें भी आप में है, तो उस पाउडर का चार्ज ले रहे हो आप, लेकिन गाइडलाइन वो भी तो कह रहा है कि 6 साल 3 साल में होगा। बिल्कुल सर, देखो उस पाउडर की वारंटी है 6 साल, उस पाउडर की जो हम पाउडर डाल रहे हैं ना, उस पाउडर की दोबारा कर दोगे आप, पाउडर की वारंटी ही 6 साल। इवन हम तो कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे जो हम एक डेमो देंगे या फिर हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं। चलिए मैं पाउडर का बारे में पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं पाउडर के बारे में मैं पढ़ लूंगा, मैं एस्टिंग्विशर के बारे में पढ़ा हूँ, एस्टिंग्विशर 3 साल में खुलेगा, उसकी आईएसपीटी टेस्ट होगी, सारा कुछ खुलेगा उसका, सब कुछ टेस्टिंग होने के बाद दोबारा से असेंबल होगा, तो सीधी सी बात है पाउडर भी निकलेगा और दोबारा से उसी पाउडर का आप उसके अंदर डालोगे। आपके कहने का मतलब ये है, ठीक है आप दोबारा डाल दोगे लिंक खुलेगा। तो अभी आप चार्जेस की बात किए थे, 2200 रुपया आप 6-3 साल में हमसे चार्ज लोगे, 2200 रुपया लोगे, फिर 6 साल में देखो जिसको क्वालिटी चाहिए उसको तो देखो जिसको चीजें चाहिए। अभी आप अभी आप एक बात और बोल रहे थे कि बहुत लोग हाइड्रो टेस्टिंग कराते नहीं, तो वो लोग गलत करते हैं साहब, जो लोग नहीं कराते हैं वो मतलब नियम के खिलाफ जा रहे हैं। बिल्कुल गलत करते हैं ना, जो लोग नहीं कराते गलत करते हैं कि नहीं, जो अपने बाइक का इंश्योरेंस नहीं कराता तो गलत करता है कि नहीं। आप क्लाइंट को ये भी बताओ ना कि 3 साल में हम 2200 रुपया चार्ज करेंगे, हम तो कहते हैं सर, हम तो आप उसका पूरा पूरा डिपार्टमेंट द्वारा 6 साल की वारंटी मतलब एस्टिमेशन में उस चार्ज को जोड़ के बताइए। इसके लिए हमारा पूरा एक डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। आपने 6 साल परचेज लेने जा रहे हैं, आपने एक सिलेंडर के रेट क्या बताया हमको, ये बताया 7500 का, 75 क्या आपने 2200 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज बताया हमको। नहीं सर हमने ये नहीं कहा घटिया ब्रांड है, लेकिन आपने हमारे एस्टिमेशनों को लोकल बताया इसलिए मैंने बोला। अरे आपके एस्टिमेशन लोकल, ठीक है सर हम आपको एस्टिमेशन का खराब नहीं बता रहे हैं सर, ये क्वालिटी बता रहा हूँ आपके, मैं खुद कह रहा हूँ आपके एस्टिमेशन की क्वालिटी बता रहे हैं। हम 2200 रुपए एक्स्ट्रा
क्लाइंट देते हैं तो 60% मार्केट शेयर इसीलिए सीज़। आप लोग छिपाते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप पूरा क्लाइंट को बताते नहीं जो आती है, कोटेशन जो आती है उसमें एक एक चीज मेंशन होती है, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है कि भाई मैं अपने हाथ से बना करके दे रहा हूँ वो सूरी पूरी। आपने अभी हमें बोला था जब फर्स्ट टाइम आया था कि 6 साल वारंटी है, 6 साल तक कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी जैसे मैंने आपको नियम का बात बताया तो 3 साल पे करने की जरूरत है ना। एसटीपी अगर आप नहीं भी करवा रहे हो तो क्यों नहीं करवाएंगे साहब, हम नियम के खिलाफ कैसे जा सकते हैं, करवाना पड़ेगा 3 साल पे। ऐसा आपको करवाना है आप करवाओगे, हम उससे करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, आप सजेस्ट नहीं करोगे कराने के? सजेस्ट करेंगे, हमारा बंदा है, हमारा पूरी वो टीम है इसके लिए, जो जब मैंने आपको सेल आउट कर दिया उसके बाद जैसे ही 3 साल होने वाले होंगे आपको हमारी टीम वापस कॉल आ जाएगा सर, ये चीज है एक्सपायर होने वाले हैं, 3 साल होने वाले हैं। मैं मानता हूँ आपका अच्छा है सर, मैंने कभी नहीं कहा सीज़फायर का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसकी जो हैंड देखिए उस इंटरनल मटेरियल के साथ साथ एक्सटर्नल प्लास्टिक की क्वालिटी भी उनकी अच्छी होती है, नोजल की क्वालिटी अच्छी होती है, जो भी उसमें डिस्चार्ज पाइप जैसे फट जाते हैं लीकेज कर जाते हैं सीज़फायर के नहीं करते हैं। मैं यूज़ किया हूँ सीज़फायर को और मैं जानता हूँ बहुत अच्छी सीज़फायर है, हमारा बस वो उसके खिलाफ मैं बोलता हूँ जो बोलते हैं कि जी मेरा सिलेंडर इतने साल तक चलेगा, ये इसके खिलाफ होगा बस ये आपको मार्केट में ना सब जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सभी एक्सपर्ट हैं, सारे फायर एक्सपर्ट को हायर कर रहे हैं, अगर मार्केट बना रहता तो सब झूठ मत बोलिए। 6 साल वाला जो बाकी चीज़ें CO2 का भी, CO2 का तो 5 साल सभी देते हैं, वो तो खैर नहीं कर सकते, बाकी जैसे ABC पाउडर है तो आप वाटर वाले का कितना है आपके, वाटर वाले का क्या है, वो तो 2 साल है वाटर का, 3 इयर्स पे SPT टेस्ट, 2 साल पे रिफिलिंग कराना होगा है, तो हमारा IS तो कहता है 2 साल पे, आप कह रहे सर हम तो IS को मानते हैं ना, IS तो मेरे को पता नहीं, वोटर का तो हमारे इतना बिकता भी नहीं है वोटर, तो मेरे को पता भी नहीं, आज तक मैंने किसी एक सिलेंडर नहीं भेजा वोटर का, हम किसी सिलेंडर पे रजिस्टर नहीं करते, IS में लिखा है 2 साल पे, फॉर्मूला होगा वो कितने साल पे, 6 साल पे, पहले 1 साल की वारंटी थी, बीच में खुलेगा नहीं, SPT टेस्ट 3 साल पे होगा उसका, पहले 1 साल की वारंटी थी हमारी, अच्छा अच्छा, और उसका क्लीन एजेंट का, क्लीन एजेंट का दूसरे टाइम लिखते हैं हम कार्ड साइज 3 साल के अंदर आपका, अच्छा क्लीन एजेंट तो निकल जाएगा गैस, हां तो आपको 3 साल पे उसका उसकी प्राइस अलग होगी, क्लीन एजेंट की प्राइस सेम थोड़ी ना होगी सर, नहीं नहीं जैसे आप कह रहे हो पाउडर तो निकाल लोगे, क्लीन एजेंट को क्या करोगे, कहाँ गलत कर रहे हैं आप, मैं अभी मैंने सब जगह आपके इतना वो कर रहे हैं, आप जैसे अभी हम जैसे 3 साल की वारंटी, हम जो आप वारंटी दे रहे हैं, वारंटी दे रहे हैं लेकिन 3 साल पे खुलेगा टेस्टिंग होगा ये भी बात बताइए, बिल्कुल उसका चार्ज लेंगे हम, सारा कुछ बताइए हमसे, कोटेशन में आएगा ऐसा नहीं है, कोटेशन में हम कुछ छिपाएंगे, हम बता रहे हैं कई लोग नहीं बताते ये बात, अरे सर आजकल कोटेशन हमारे ऊपर क्लाइंट के पास है फॉरेस्ट्री, उनको पता ही नहीं, उनको बेच दिया उसने।